अभी हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड एग्जाम में पूछा जाने वाला भी टॉपिक है। आपका ध्यान से करें, बहुत ही इजी है। मैकेनिज्म ऑफ एस्टिफिकेशन, ये जो एस्टर बन रहा है RCOOR, इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो मैकेनिज्म के अंदर ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स तो होते ही हैं, ठीक है ना। स्टेप वन में स्टार्ट करेंगे इनिशिएशन, स्टेप टू प्रोपगेशन रहेगा एंड स्टेप थ्री में टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। फर्स्टली एस्टिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ होगा? विद एल्कोहल। इससे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स SN1 और SN2 रिएक्शन है। इट इन्वॉल्व्स तीन स्टेप है। पहला स्टेप देखिए फ्रेंड्स, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोन मीन्स एच पॉजिटिव आयंस इसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल, तो ये ले लिया विद एल्कोहल RCO, और यहाँ पे क्या है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। आप इसका प्रोटोन आयन इसके ऊपर एस पॉजिटिव आयन, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। प्रोटोन ऐड हो रहा है, प्रोटोन कहाँ ऐड होगा? इस लोन पेयर के ऊपर। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। क्या आ गया यहाँ पे RC और यहाँ पे OH, अगर इसके साथ आ जाएगा OH और बाकी सेम है OH, इसी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये H यहाँ पे ऐड हुआ है। एक स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके पास कितने रह गए बताइए? 2 लोन पेयर्स रह गए। अगर इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है कहीं तो कितने हैं? 3 लोन पेयर्स हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो डॉट है ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये क्या बन गया? प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड 1। नंबरिंग आप देते चले। अब अगर इसको हम यहाँ पे ले आए डबल बॉन्ड को, एक लोन पेयर है ना एच के साथ आने के बाद, NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन गए। उसके बाद देखिए, ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ चला जाए, ये आप करें तो कर ले, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये इस पे चला जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, इसके प्लस साइन आ जाएगा कार्बन के ऊपर। सेकेंड में हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर अटैक करेगा अल्कोहल। यहाँ पे आपने एजिटेट्स ले लिया RC डबल बॉन्ड OH और इसके साथ है OH। अब यहाँ अल्कोहल लेंगे, उसके साथ आप R ग्रुप भी रखेंगे ROH। ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये यहाँ अटैक करेगा स्टूडेंट, तो एक OH और लग जाएगा इसके साथ। 3 को ऑलरेडी बना रखे हैं, एक OH और लग रहा है और साथ में R भी आएगा। देखिए कैसे RC लिख दिया RC, ये OH है। यहाँ पे क्या कर रखा है, ये डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर बचा है, पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर OH के ऊपर, क्लियर। अब ये वाला OH, ये OH यहाँ पे आ गया, कौन अटैक कर रहा है? ROH। ये कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ये लोन पेयर अटैक कर रहा है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ओ रहेगा, इसके साथ एक तरफ आ रहा है दूसरी तरफ एच है। ये हमें कैसे शेप दिखाई दे रही है? टेट्राहेड्रल। ये जो थर्ड पार्ट बना है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। क्या बना स्टूडेंट? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, जिसकी शेप टेट्राहेड्रल है, सराउंडिंग में 4 हमें इलेक्ट्रॉन्स इसके दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं लॉस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ए प्रोटोन। थर्ड स्टेप पे तो प्रोटोन का लॉस हो जाएगा एस पॉजिटिव का, दूसरा
वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो पहले निकलेगा वाटर, उसके बाद प्रोटोन। ये वाला सेल ले लिया आर सी, दो ओएच मॉलिक्यूल्स हैं और एक इधर आर ओएच ले लेकर, एक आर दो ओएच और एक इधर ओ आर एच। क्लियर, ये सेकेंड लिया हमने, लिख दिया नीचे सेकेंड। अब यहाँ पे प्रोटोन का ट्रांसफर करेंगे, प्रोटोन का ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे OH2 बन जाएगा। ये वाला जो है ना बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा, लोन पेयर चले जाएंगे इसके, इसके लोन पेयर हो गए। और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये बन जाएगा OH, इसको हम क्या लिख सकते हैं H2O या OH2, ठीक है ना। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, बाकी सेम ऐसा सी के साथ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, ये OH है, यहाँ यहाँ पर भी OH है, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला प्रोटोन इसके साथ चला जाएगा OH2, यहाँ पे OH2, ठीक है। उसके साथ देखिए ये रह गया OR। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये तो निकल जाएगा H2, इसमें ये वाला हम निकाल देंगे H2, क्योंकि यहाँ पे क्या है लॉस ऑफ वाटर, H2 निकाल दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, बाकी सेम है, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे OR सेम है। अब क्या करना है नेक्स्ट में, लॉस ऑफ प्रोटोन, एच पॉजिटिव को निकाल देना है। कहाँ से निकलेगा एच पॉजिटिव, यहाँ से निकलेगा क्योंकि इसके बॉन्ड कंप्लीट है। ये यहाँ पे टूट के आ जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा स्टूडेंट, क्या रह जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, किसकी फॉर्मेशन हो गई एस्टर की। ये भी एस्टर था बट कैसा एस्टर था, प्रोटोनेटेड एस्टर, जो ये फोर्थ बना है ना ये कैसा एस्टर है, प्रोटोनेटेड एस्टर। और फिफ्थ पे प्रोटोन का भी लूज कर देंगे, क्या प्रिपेयर हो गया यहाँ एस्टर। क्लियर है, बहुत ही इजी है ये था स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। अभी जैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं एनसीईआरटी में भी आपके, ये जो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन है इज सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है उनकी क्राउडिंग हो जाना, ठीक है, इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे उतना ही एस्टरिफिकेशन की पावर डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा एस्टरिफिकेशन किस में होगा, HCOH में, या फिर अल्कोहल ले रहे हैं CH3OH में, फिर उससे कम प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अल्कोहल CH3COOH, यहाँ पे भी CH3CH2OH, उसके बाद कम हो जाएगी सेकेंडरी में और फिर टर्शियरी में। सेकेंडरी है तो आप देख रहे होंगे CH2, इसके सराउंडिंग में कितने कार्बन होंगे, टू होंगे, एक CH3 इधर एक ऊपर लग जाएगा। टर्शियरी के अंदर क्या सी COOH CH3 है यहाँ पे, तो इसके सराउंडिंग में तीन अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, मीन्स टर्शियरी पावर ऑफ एस्टरिफिकेशन इज लोवेस्ट इन टर्शियरी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स। क्लियर है।